इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं रहेगा कि आप लोग स्किनी हो, क्योंकि आज मैं आप लोगों को कुछ ऐसे ऐसे टिप्स बताने वाला हूँ जिसको अगर आप लोग फॉलो करोगे तो आप लोग स्किनी होते हुए भी कूल और अट्रैक्टिव फिट दिखोगे। फिट मतलब आप लोग अट्रैक्टिव दिखोगे। तो हेलो एवरीबॉडी, मैं तुम्हारा अपना अरुण, और आज के मेरे वीडियो के इस थंबनेल को देखकर तुम लोग समझ चुके हो कि मेरा वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो तुम लोग का बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। टिप नंबर वन, आप लोग को लेयरिंग करनी है। लेयरिंग का मतलब आप लोगों को अपने कपड़ों के ऊपर कपड़ा पहनना है। कपड़ों के ऊपर कपड़ा का मतलब, क्योंकि आप लोग स्किनी हो, आप लोग की बॉडी पतली है, तो आप लोग को और पतला नहीं दिखना है, आप लोग को अच्छा दिखना है। तो अच्छे दिखने के लिए आप लोग अंदर से एक कपड़ा पहनोगे, उसके ऊपर से फिर एक और कपड़ा पहनोगे, जिससे लगेगा कि हाँ, आप लोग की बॉडी जो है वो ज़्यादा स्किनी नहीं है। टिप नंबर टू, कूल आउटफिट्स। क्योंकि अगर आप लोग कूल आउटफिट्स पहनते हो तो आप लोग की बॉडी अट्रैक्टिव दिखती है। कूल आउटफिट्स का मतलब होता है ट्रेंडिंग आउटफिट। ट्रेंडिंग का मतलब होता है ट्रेंडिंग, जैसे कि लॉन्ग स्लीव शर्ट। लॉन्ग स्लीव शर्ट का मतलब है आप लोग को अपनी शर्ट को पूरा फोल्ड नहीं करना है। पूरा फोल्ड नहीं करना मतलब कि आप लोग को अपनी शर्ट को थोड़ा सा फोल्ड करके ऊपर रखना है। बहुत लोग कर लेते हैं कि वो लोग अपनी शर्ट को पूरा ऊपर तक फोल्ड कर लेते हैं, यहाँ तक ला देते हैं, तो वैसा आप लोग को नहीं करना है। आप लोग को हल्का थोड़ा आप लोग की अपने आर्म्स दिखाने हैं। बहुत सारे लोग सोचते होंगे यार मैं तो पतला हूँ, तो अगर मैं अपनी स्लीव को ऊपर करूँगा तो यार मेरे आर्म्स दिखेंगे, वो पतले होंगे, अच्छा नहीं लगेगा। नहीं डू, आप लोग अगर अपनी आर्म्स को ऊपर करते हो तो आप लोग के आर्म्स जो है मतलब कि जैसे भी हो अच्छे लगते हो, थोड़ा सा कर लो, सेक्सी लुक आता है। टिप नंबर थ्री, वो है आप लोग के बाल। क्योंकि अगर आप लोग स्किनी हो और आप लोग के बाल पूरे साइड से ऐसे 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 आ रहे हैं, तो उनको आपको रोकना है वहीं पर। रोकने के लिए आप लोग करना क्या होगा, अपने बालों को साइड से हल्का करना होगा। ऊपर आप लोग बड़े रखो उससे कोई मैटर नहीं करता, साइड मैटर करता है। क्योंकि आप लोग के बाल और कंधे में जितना डिस्टेंस होगा आप लोग की स्किनीनेस उतनी दिखेगी। तो आप लोग को अपने बाल को कम करना है। तो अगर आप लोग कम करोगे तो आप लोग की स्किनीनेस कम दिखेगी। अब ज़्यादा रहेगी तो वो आप लोगों को स्किनी ही बनाएगा। और अगर आप लोग को टी शर्ट पहनना है तो टी शर्ट पहनने के लिए जैसे आप लोग देख सकते हो, मैंने पहना हुआ है गोल सर्कल ऐसा वाला पहनना है। अगर आप लोग वी पहनते हो ना, तो वी का मतलब है वर्टिकल। आपकी वर्टिकल जो एलिमेंट होती है वो ज़्यादा हो जाएगी उससे, तो इससे आप लोग की स्किनीनेस जो होती है वो बढ़ जाएगी, जो कि अच्छी बिल्कुल नहीं लगेगी। तो आप लोग को ये राउंड पहनना है। अगर आप लोग राउंड पहनोगे तो ज़्यादा अच्छे दिखोगे। क्योंकि मैं स्किनी नहीं हूँ तो मैं ऐसे पहन सकता हूँ, मैं वी पहन सकता हूँ, उसे मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप लोग स्किनी हो तो आप लोग को दिक्कत हो सकती है। अगर आप लोग को मतलब कि अच्छा नहीं लगता उसे अपना स्किनी दिखाना, तो आप लोग ऐसा पहन। बहुत सारे लोग करते क्या है कि वो ऊपर तो अपने आप को चटक मटक कर लेते हैं, लेकिन नीचे में वही होती है उनकी पतली सी टांग। तो वो पतली सी टांग वो लोग करने के लिए क्या करते हैं कि एकदम टाइट जीन्स पहन लेते हैं। वो टाइट जीन्स जो होते हैं उनकी जांग में ऐसे चिपक जाती है, तो वो जो होते बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। क्योंकि अगर वो चिपकेगी ना तो आपकी स्किनीनेस जो है घटेगी नहीं बल्कि बढ़ जाएगी। या कहो तो आप लोग अजीब दिखोगे। अजीब का मतलब आपकी बॉडी ऊपर से ब्रॉड है और नीचे आते हैं तो वो अच्छा नहीं लगेगा। तो आप लोग को उसके लिए क्या करना है, आप लोग को ब्रॉड नहीं पहनने हैं, ना ही आप लोग को पूरा सटा हुआ पहनना है। आप लोग को मीडियम वाले जीन्स पहनने हैं, जो कि आप लोग के पैरों में पूरे सटेंगे भी नहीं और आप लोग के पैरों को वो अच्छा लुक भी देंगे, जिससे आप लोग की पर्सनैलिटी जो है वो अच्छी बनेगी। लोग जो होते हैं अच्छा पहनते हैं कि उन्हें कॉन्फिडेंट होना है, पर चीज़ तुम लोग मेन भूल जाते हो यार, कि कॉन्फिडेंस होने के लिए अच्छे कपड़े पहनने जरूरी नहीं होते। अगर आप लोग कॉन्फिडेंस होगे तो आप लोग कपड़े को ही पहनो। कॉन्फिडेंस आपकी एटीट्यूड में झलकेगा। आप लोग एटीट्यूड से चलो तो आप लोग कॉन्फिडेंट दिखोगे। और नहीं ऐसे तो अगर आप लोग को अच्छा दिखना है तो आप लोग को बहुत चीज़ कर सकते हो, जैसे आप लोग वर्कआउट कर सकते हो। क्योंकि वर्कआउट जो होता है वो एक बहुत ही अच्छा एलिमेंट है कि अगर आप लोग को स्किनी से मतलब कि ऐसे से ऐसा बनना है तो आप लोग के लिए वर्कआउट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी मतलब वो अल्टीमेट नेसेसरी चीज़ है, जिसको अगर आप लोग करते हो तो आप लोग अगर स्किनी हो तो भी आप लोग की पर्सनैलिटी अच्छी होगी, क्योंकि वर्कआउट होने में अपनी बॉडी बन जाएगी, अच्छा लगेगा। आप लोग अपनी स्किन सजाने के लिए पता नहीं क्या क्या खाते हो कि मैं ये खाऊंगा, मैं यो खाऊंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, तो मैं मोटा दिखूंगा, और आप लोग को कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ड्यूड, अगर आप लोग ऐसा कर रहे हो तो प्लीज़ इसे बंद कर दो। क्योंकि क्या पता कि आप लोग अभी तो पतले हो लेकिन आगे जाके उसका इफेक्ट जो है कुछ ज़्यादा ही हो जाए, मतलब इसीलिए आप लोग उसे मत करो। आप लोग जैसे हो वैसे ही रहो, जो खाते हो वही खाओ। और एक बहुत ही कॉमन सा मिथ है कि अगर आप लोग डार्क कपड़े पहनते हो तो आप लोग जो है वो स्किनी ज़्यादा दिखते हो, इन कंपैरिजन टू अगर आप लोग लो कपड़े मतलब कि लाइट कपड़े पहनते हो तो आप लोग स्किनी कम दिखते हो। तो आप लोग को इन दोनों फोटो देख के पता चल चुका होगा कि आप लोग कैसे कपड़े पहन सकते हो। और डूड, ऐसी बात नहीं होती कि जो स्किनी होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खराब दिखते हैं, स्किनी भी बहुत लोग बहुत अच्छे दिखते हैं। तो आप लोग को अगर वैसा बहुत अच्छा दिखना है तो आप लोग अपनी कॉम्बिनेशन को जरा टेस्ट को चेंज कर सकते हो, मतलब कि लाइट और डार्क का कॉम्बिनेशन पहन सकते हो कपड़ों में,
ऊपर लाइट पहन लिया नीचे डार्क पहन लिया तो अच्छा लग रहा है, ऊपर डार्क पहन लिया नीचे लाइट पहन लिया तो भी कुछ हद तक अच्छा लग रहा है, लेकिन शूज़ जो है फिर डार्क होने चाहिए। तो आप लोग को वो अपना टेस्ट बना के चलना होगा। तो मेरे भाइयों, अगर आप लोगों को अपनी स्क्रीननेस पे शर्म आती है कि आप लोग पतले हो, कहीं भी जाओगे तो लोग आपके दुबलेपन का मजाक उड़ाएंगे, तब आप मेरी एडवाइस फॉलो कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ कि लोग आपको कुछ नहीं कहेंगे, बल्कि आपकी तारीफ भी करेंगे कि आप लोग की पर्सनैलिटी जो है बहुत कूल लगती है। तो अगर आप लोग को फैशन से रिलेटेड कोई भी टिप्स चाहिए तो आप लोग मेरे चैनल पर आ सकते हो या आपके भाई के चैनल, जिससे आपका भाई आप लोगों के लिए ऐसी ऐसी टिप्स लाते रहता है जो कि आप लोग को इस मॉडर्न जनरेशन में कूल, सेक्सी और अच्छा दिखा सकते हैं। तो ये थे मेरे कुछ टिप्स जिसमें मैंने आप लोग को बताया कि अगर आप लोग स्किनी हो तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो जिससे कि आप लोग की स्किनीनेस जो है वो छू मंतर हो जाए। तो आप लोग अगर ऐसे ऐसे टिप्स आगे फ्यूचर में चाहते हो अपने लिए, चाहे वो स्किनी के ऊपर हो या कोई ऐसे प्लेस डिस्कवर करने के ऊपर जो आप लोगों ने देखा नहीं है आज तक, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। So hey guys, I hope you enjoyed this video, and if you did, make sure to subscribe my YouTube channel, and I'll see you guys in the next video. Till then, stay good, stay healthy.